आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी मुख्य खबर की ओर। 9 दिवसीय यज्ञ के साथ श्री राम नाम संकीर्तन का भव्य आयोजन सारण जिले के जलालपुर प्रखंड के बसडीला स्थित श्री कमल ऋषि कपाल ब्रह्मा बाबा मंदिर परिसर में किया गया है। बसडीला गांव के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांव के श्रद्धालुओं से पूरा मंदिर मेले में तब्दील हो गया है। जगह जगह ठेले, खोमचे पर स्वादिष्ट मिष्ठान, बर्तन, श्रृंगार के सामान, बच्चों के झूले, चाट छोले की दुकान लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आयोजकों ने बताया ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। मान्यता है कमल ऋषि का आश्रम मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तपोस्थली होने के कारण देव गंधर्व का आगमन हुआ करता था। ये भी कहा जाता है पूर्व में यहाँ पर आश्रम था जहाँ कई लोगों की मान्यताएं पूरी हुई है। 1941 में यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया गया। सबसे स्थल पर दूर दराज के साधु संत लोग जुटते हैं, संकीर्तन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। यह अनुष्ठान 9 दिवसीय होता है जहाँ दिन रात श्रद्धालु अपनी सेवा देते हैं। बसंत पंचमी के दिन यह अनुष्ठान शुरू होता है। अगले 9 दिनों बाद पूर्णाहुति होती है। इस दौरान यहाँ अखंड श्रीराम जय राम जय जय राम नाम का संकीर्तन हुआ करता है। 24 घंटे यज्ञ हवन होता रहता है तो दिन में देश स्तर के प्रवचनकर्ता अपने ज्ञानामृत से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। जो है कमल ऋषि काल ब्रह्म स्थान है, इसका क्या महत्व है? कमल ऋषि एक ऐसे महात्मा थे जो अपने से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी स्थापना यहाँ कर दीजिए और जो इसका पूजन करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होगी, इसलिए वह स्थान ब्रह्म स्थान के नाम से जाना जाता है। दूर देश देश के विद्वान यहाँ प्रतिवर्ष लाए जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कमल ऋषि का आश्रम गौतम ऋषि का आश्रम भी बगल में है, यहाँ पर गोधरा गोधरा सिमरिया में जहाँ गौतम ऋषि रहते थे और वहीं से अयोध्या वगैरह चला रहे थे। ऐसा है स्थान बहुत ठीक है। इसके बगल में सिद्धपीठ अम्बिका स्थल आमी में कुछ ही दूर पर अम्बिका स्थान है जहाँ सुबह समाधि वैश्य की तबू हुई है। गंगा के तट पर अम्बिका स्थान नाम से यह बसडीला का जल पिछले 80 वर्षों से चल रहा है। इसको शिव शर्मा नाम के एक महात्मा ने इसका स्थापना किया था और इस स्थापना में उन्होंने श्री राम नाम संकीर्तन पर अखंड राम नाम संकीर्तन महायज्ञ यज्ञ किया था और यह कहा था कि यह बराबर चलता रहेगा। कि बसडीला गांव के लोगों की विशेषता है कि अपने से यहाँ के युवक, यहाँ के वृद्ध, यहाँ की बेटी सब मिलकर के और 9 दिनों तक सियाराम जय जय राम का जय सियाराम का की ध्वनि का सुझाव ये लोग करते हैं और अपने से करते हैं। इसलिए चंदा वाले को बुलाया नहीं जाता, यह विशेषता है। ऐसा कभी होता नहीं है और यहाँ प्रवचन भी होता है अब और यहाँ सब लोग मिल करके ऐसा करते हैं। कितने वर्षों से होता आ रहा है? 80 वर्षों से। 80 वर्षों लगातार? हाँ लगातार 80 वर्षों। अब जग की विशेषता के विषय में गुस्सा रहते हैं आज जो मैंने कहा है। इस स्थान की क्या महत्ता है? कितने वर्षों से हो रहा है यह? 80 सालों से हो रहा है। कितने दिनों का यज्ञ होता है साल में? क्या नाम है तुम्हारा? आदि से हुआ 9 दिन 9 रात प्रवाह चलता है। यज्ञ को शुरू करने वाली इसी गांव के बहुत पूरा महत्व से गाँव का श्री किस ऋषि का स्थान है? उसके बारे में कहा जाता है यज्ञ शुरू करने के बाद सत्ता नहीं गया, वहाँ जाकर सीता जी का उनका दर्शन हुआ। वहाँ से 200 आदमी के पास साल तक यज्ञ करने के बाद आश्रम में आए के बाद 18 साल लगातार दिन रात जब होता है। यह स्थान वो स्थान है जहाँ पर बड़े बड़े महात्मा आए हुए हैं, पराशर मुनि तक आए हुए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य कितने बार आए हुए हैं, अभी 20 साल भी आए हुए हैं और जो भी 6 साल से यहाँ पर यज्ञ होता है आता है। हर मनोकामना पूरा होता है। कमल ऋषि के बगल में
लेकिन इसका स्थान बहुत पहले से है और ये कहा जाता है कि गौतम ऋषि के छोटे भाई हैं और वहां से ही आज किला गए हैं। अनुष्ठान करता हूँ यज्ञ का मालिक हूँ जगत का, और हमारा काम यही है कि यज्ञ के जगत पधराने लिया जाए और कमिटी को मन के ऐसा कहा जाए कि भाई न हो। और यहाँ देखिए तीन काम मशहूर है, एक है कि जय श्री राम लगातार, दूसरा काम है हवन लगातार 9 दिन दौरा चलना चाहिए, तीसरा काम है कमल के आश्रम में दीप को हमेशा जलना चाहिए 9 दिन दौरा। तो आश्रम फिर से बढ़िया जाए 1947 से 41 से आजादी के पहले से। अच्छा किसका स्थान है ये? ये स्थान किनका है? ये स्थान और यहाँ के पूजा पाठ कब से शुरू हो रहा है? अभी बसंत पंचमी से कई वर्षों से चलता आ रहा है। 80 साल हो गया। इसमें कहाँ कहाँ से संत महात्मा लोग आते हैं? महात्मा बहुत दूर से, मैंने हरिद्वार से और उज्जैन से यहाँ पराशर भी आए। कितने दिनों तक ये अनुष्ठान चलता है? 9 दिन 9 रात चलता है। 9 दिन 9 रात। क्या नाम है बाबा आपका? आपका नाम क्या करें बाबा? हमारा नाम है श्रीपति मिश्र। उम्र क्या होगा आपका? दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।